सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करना अब समस्या बनती जा रही है, क्योंकि इन सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने में अगर गवर्नमेंट के वेस्ट मैनेजमेंट की रिसर्च की माने तो 500 से 700 साल लगते हैं। पूरी दुनिया कचरे के भरमार से पहले ही परेशान है और अब सैनिटरी नैपकिन भी समस्या बनती जा रही है। घबराई नहीं, इस समस्या को सुलझाने के लिए लज्जा नामक संस्था मेक द डिफरेंस मुहिम के तहत लोगों में जागरूकता फैला रही है। इस समस्या से होने वाले नुकसान से कैसे निजात पाया जा सके काम कर रही है। मेक द डिफरेंस इस कार्यक्रम को सपोर्ट इनोवेट मॉल जैसी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। इसके अंतर्गत यह संस्था महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने की प्रशिक्षण के साथ साथ गरीब और गज्जू महिलाओं को रोजगार भी मुहैया करा रही है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। इस कार्यक्रम का उद्घाटन इनोवेट मॉल के श्रीमती गीता खत्री के द्वारा किया गया। इस नेक काम में मौजूद रहे मेक इन इंडिया के फाउंडर और प्रेसिडेंट दीपक विश्वकर्मा, शर्मीन पटेल, प्रमिला ज्योति विश्वकर्मा, दीप्ति मेहता, दीपेश ठक्कर, गिरीश ठक्कर आदि। हम लोग नॉर्बिट मॉल से हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस वेंचर। इट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। सो एज अ ग्रुप, एज अ कंपनी, वी हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड वी बिलीव दिस इज द कोर ऑफ एवरी पर्सन इन द कंट्री एंड इन द कंपनी। वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड यहाँ पे वी हैव गॉट 6 स्विंग मशीन्स। वी हैव वेमेन हु विल बी मेकिंग सम सैनिटरी पैड्स एंड सर्विंग इट टू एवरीबडी एल्स एंड यू नो एट अ वेरी वी वॉन्ट टू एजुकेट पीपल दैट वॉट इज द वे फॉरवर्ड एंड हाउ डू वी डू बेटर थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स। इट्स ऑल्सो अ हेल्थ इन अ हेल्थ वाइज इट वर्क्स आउट बेटर दैट वे। कोर्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू बेटर थिंग्स एज वी गो अहेड। To add on to what Geeta said, it's concentrating on women hygiene particularly. And as women, you know that how important hygiene is for us. Kitni zarurat hoti hai hume for health, for safety. And I think it's a noble cause because bahut sare women aisi hai jinke paas ye suvidha nahi hai. Un tak pahunchna, un tak jaake unko ye affordable cheez deni, pehle to unko employment dena, yahan pe shuruaat wahin se ho jati hai. And fir aage jaake hum unko un logon ko jinke paas hai nahi, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको हेल्प करना, ये एक बहुत बड़ा नोबल कॉज है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद इट। एम्प्लॉयमेंट स्टार जहाँ पे आप हम लोगों को अभी काम करवा रहे हैं तो यहाँ पे इनका रोजगार भी हो गया, प्लस जो सैनिटरी नैपकिन्स बनेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो वो हेल्थ हाइजीन सेफ्टी हो गया। सो टुगेदर थैंक यू। मैं पहले तो मैं इनॉर्बिट मॉल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो पास्ट 1 सालों से हमारे साथ एसोसिएट हैं और उनके साथ हम बहुत सारे अच्छी अच्छी विषयों पे काम कर रहे हैं। उन्हीं के इनिशिएटिव के माध्यम से हमारा एक लज्जा चलता है, लज्जा प्रोग्राम में हम विमेन हाइजीन के ऊपर महिलाओं को एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। उसी क्रम में जब हम उस पर काम कर रहे थे हमें पता चला कि जो डिस्पोजल पैड होता है ये एनवायरनमेंट पर बहुत हार्मफुल है और ये एनवायरनमेंट पे एक कहीं ना कहीं हम बोझ डाल रहे हैं। उससे निजात पाने के लिए हमने रीयूजबल पैड बनाने का निश्चय किया और उसी क्रम में हमने क्राफ्टिंग लाइफ इनिशिएटिव लाया। इस इनिशिएटिव को इनॉर्बिट मॉल ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया, उन्हीं की वजह से ही आज हम ये यूनिट चालू कर पाए हैं। इसका दोनों दो तरीके से फ़ायदा होगा, एक तो हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे, वुमेन हेल्थ को भी इशू अच्छा बेनिफिट होगा, साथ ही साथ इसमें जुड़ी हुई जो भी महिलाएँ हैं हम आज उनको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद उन्हीं लोगों को यहाँ पे रोज़गार देंगे जिससे उनका घर उनके उनके फैमिली में थोड़ा सपोर्ट होगा। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति नहीं हैं, विधवा हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम ऐसी ही महिलाओं को जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हीं लोगों को शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पर लाए हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं।